जब से यार पैदा हुआ हूँ तब से एक ही सवाल यार दिमाग पे चल रहा है कि आजादी के बाद हमने डेमोक्रेसी को ही क्यों चुना। चाइना जैसे कोई सिस्टम चुन लेते आज हम सुपर पावर होते। सोचा यार इस सवाल के साथ बचपन तो बीत ही गया है, अब जवानी ना बर्बाद हो जाए। तो गया एक पहुंचे हुए बकचोद बाबा के पास और अपना प्रॉब्लम बताया। तो उन्होंने दो चीज करने कहा, पहला यार मेरे पास सांडे का तेल लेके आओ और दूसरा हिमालय पर्वत में जाके 15 दिन तक मुर्गियां जला के खाओ। मैंने किया और सरप्राइजिंगली मुझे सवाल का जवाब मिल गया आखिर। तो सुनो, हमने डेमोक्रेसी को इसलिए चुना क्योंकि ये देता है हम लोगों के बीच इक्वालिटी, हमें देता है एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जो हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, और हम जो भी डिसीजन लेंगे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। और मान लो मेरे और तुम्हारे बीच कोई कन्फ्लिक्ट होता है इन फ्यूचर, तो इसे भी आसानी से रिजोल्व करा जा सकता है। और आखिरी डेमोक्रेसी अपना ही डिसीजन को करेक्ट कर सकता है कैसे? मान लो मैंने एक ऐसे इंसान को वोट दिया जो कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था, हो जाता यार इंसानों से गलती, तो मैं अगले इलेक्शन में इस गलती को सुधार सकता हूँ। और इसी बीच देखो यार, दुनिया के अंदर में दो तरीके का सोच आता है डेमोक्रेसी को लेके। कुछ लोग तो ऐसे थे जो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो डेमोक्रेसी से बहुत नाराज थे, नाखुश थे। और इन लोगों के बीच शुरू हुआ एक महाभारत, और अगर ये चलता ही रहता तो बहुत बुरा हो सकता था। तो इसीलिए दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट थे वो आए इकट्ठा मिले, बहुत लंबा डिस्कशन चलता है और फाइनल कंक्लूजन में ये निकलता है कि भाई साहब अगर तुम डेमोक्रेसी को चुनते हो तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा। इस सवाल का जवाब हमने ढूंढ निकाला है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अगर तुम चुनते हो डेमोक्रेसी तो तुम्हें क्या मिलेगा। बीबी शायद ना हलवा या बिरयानी मिल सकता हमें, क्या कहते हो? नहीं, मैं यहाँ बिरयानी हलवा का बात नहीं कर रहा। अगर तुम चुनते हो डेमोक्रेसी को तो इसके 3 आउटकम्स है, पॉलिटिकल आउटकम्स, इकोनॉमिक आउटकम्स एंड सोशल आउटकम्स। देखो, पॉलिटिकली तुम्हें एक ऐसा गवर्नमेंट मिलेगा जो कि अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और लेजिटिमेट होगा। अब ये तीनों है क्या, थोड़ा आसान शब्दों में समझ लेते हैं। अकाउंटेबल गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो कोई भी डिसीजन लेता है वो लोगों को ध्यान में रख के ही लेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है उसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं, परख सकते हैं कि ये डिसीजन सही है या गलत है, और इसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। काश यही ट्रांसपेरेंसी हमारे एग्जाम पे होता, मतलब भाई मेरा लिख रहा है उसने सही लिखा या गलत लिखा उसे मैं देखूंगा, अच्छा उसने सही लिखा तो मैं भी थोड़ा छाप लूंगा उससे, भाई साहब ट्रांसपेरेंसी ना। समझ रहे हो आप? फिर यार रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो हमारे बातों को सुने, हमारा जो भी डिमांड है उसे सुने और उसे पूरा करे। बट इन प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी हमेशा हमारे डिमांड्स को इग्नोर करता है। फिर भी यार मैं तुम्हें कहूँगा कि डेमोक्रेसी को ही चुनना, एटलीस्ट ये नॉन डेमोक्रेसी से तो बेटर ही है। अगर नहीं भी सुनेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जाके, तब तो सुनेंगे ना। तुम यार नॉन डेमोक्रेसी में जाके प्रोटेस्ट करोगे ना, कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, तुम जो प्रोटेस्ट करने के लिए झंडा उठाओगे ना हाथ से, वो हाथ ही काट देंगे साले। फिर यार करते रहना प्रोटेस्ट। फिर यार लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसे हम लोगों ने चुना है, हम लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि इस गवर्नमेंट में लाखों बुराइयां हैं, ये स्लो है, ये इनइफेक्टिव है, ये हमेशा रिस्पॉन्सिव नहीं है, करप्टेड है, बट फिर भी हमारा है। जैसा भी है, जो भी है, हमारा है, हम जब चाहे इसे हटा सकते हैं, पूरा पावर हमारे हाथों पे है। अगर ये कोई राजा महाराजा होता या सऊदी अरेबिया जैसा सिस्टम चलता तो ये हमारे हाथों में नहीं होता। तो यार ये तो थे पॉलिटिकल आउटकम डेमोक्रेसी को चुनने के। अब देखते हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी को चुनते हैं तो हमें इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा होता है। तो पहला चीज़ हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो देखो, ऐसा देखा गया है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्पेशली बोलो तो डिक्टेटरशिप में, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थोड़ा हाई देखा गया है क्योंकि वहाँ डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। और इकोनॉमी में सीन कुछ ऐसा है, अगर डिसीजन जल्दी लिया गया तो वो फ़ायदेमंद रहता है, और अगर डिसीजन लेने में थोड़ा भी देर हुआ जैसे कि डेमोक्रेसीज में अक्सर होता है तो इससे इकोनॉमी के लिए इतना फ़ायदा नहीं होता है। बट क्या हम डेमोक्रेसीज को छोड़ के नॉन डेमोक्रेसीज को इसलिए चॉइस करें क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है? नहीं यार, इकोनॉमिक ग्रोथ को सिर्फ एक फैक्टर नहीं नाप सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स होता है जैसे कि पॉपुलेशन, उस कंट्री में कितने रिसोर्सेस है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं फिर हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके का है। इन चीज़ों को देखने के बाद मैं एक चीज़ तो तुम्हें कह सकता हूँ कि यार डेमोक्रेसी को चॉइस करो, क्योंकि हो सकता है ये डिसीजन स्लो लेता है बट इसके कई सारे और फायदे।
जो फायदे तुम्हें नॉन डेमोक्रेसी में नहीं मिलने वाला, सीधी बात है। फिर जो सवाल आता है कि क्या डेमोक्रेसी रिड्यूस कर सकता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, यानी कि जो हम लोगों के बीच गरीबी है, क्या इसे मिटा सकता है डेमोक्रेसी? तो देखो, डेमोक्रेसी बात करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी का, ये कहीं में भी बात नहीं करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी का। हमें तो डेमोक्रेसी के अंदर सीधा सीधा देखने मिलता है, जो अमीर होते हैं ना वो और अमीर होते हैं, और जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते हैं। ये डेमोक्रेसी पे देखने मिलता ही मिलता है, ये चीज़ किसी से छुपा नहीं है। फिर भी यार देखो, डेमोक्रेसी के अंदर में काफ़ी सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स, रिजर्वेशन दिया जाता है गरीबों के लिए, जिससे कि हम गरीबों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। देखो, अगर अब तुमने दोनों ही इकोनॉमिक आउटकम्स को देखा, तो इससे हमें पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी कुछ खास हमें दे नहीं रहा है इकोनॉमी के लिए एटलीस्ट। फिर भी डेमोक्रेसी को चुन लो, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें देखने मिलता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं सोशल आउटकम्स की ओर। तो सोशल आउटकम के अंदर में पहला है, डेमोक्रेसी एकोमोडेट करता है सोशल डाइवर्सिटी को, यानी कि देखो, जो सोसाइटी के बीच अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, लैंग्वेज के नाम पे हो, रेस के नाम पे हो, किसी भी तरीके के लोग हो, उन लोगों के बीच जो सोशल डिफरेंसेस है, ये डेमोक्रेसी नहीं मिटा सकता है, बट उन लोगों को एक साथ जरूर रख सकता है। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डेमोक्रेसी, जो भी सोसाइटी के बीच एक टेंशन रहता है ना कि यार तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तो इस चीज़ों से तो एक टेंशन बनता है, ये चीज़ें रिड्यूस आसानी से करा जा सकता है। देखो, दुनिया में ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ परमानेंटली हमने ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच, इसे मिटा दिया हो, बट डेमोक्रेसी बेस्ट है इन सोशल डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने में। इसलिए तुम इंडिया के अंदर स्पेशली देख पाते हो कि अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जेंडर मिल के रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से। फिर भी देखो यार, अगर तुम्हें लोगों को एक साथ लेके चलना है, तो तुम्हें दो कंडीशन को डेमोक्रेसी के अंदर फुलफिल करना ही करना है। देखो, डेमोक्रेसी का कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि एक कंट्री को मेजॉरिटी लोग जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से चलाया जाएगा। नहीं यार, हमें माइनॉरिटीज़ को भी साथ में लेके एक जनरल व्यू पॉइंट को तैयार करना है, जो यार हर किसी की भलाई के लिए हो। फिर यार देखो, हाँ, डेमोक्रेसी बात करता है मेजॉरिटी रूल का, कि मेजॉरिटी जो सोचता है वैसा ही होगा, बट यहाँ मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मेजॉरिटी पे था उसके हिसाब से ही चल रहा था सब कुछ। नहीं, हम यहाँ बात करेंगे कि एक कंट्री के मेजॉरिटी लोगों का क्या चॉइस है। तुम एज ए इंडियन सोचो कि एज ए इंडियन हमारा क्या चॉइस है, ना कि एज ए मेजॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू या मुस्लिम जिनका क्या चॉइस है उसे। नहीं, एज ए इंडियन हमारा जो भी चॉइस है वो डेमोक्रेटिक चॉइस है, समझ गए? फिर यार सोशल आउटकम के अंदर में आखिरी, डेमोक्रेसी प्रमोट करता है लोगों के बीच डिग्निटी एंड फ्रीडम। अब डिग्निटी से याद आया यार, जब भी क्लास के अंदर में कोई चुतियापा कर रहा होता हूँ ना, और टीचर पकड़ लेता है, और पनिशमेंट देना तो ठीक था, पनिशमेंट नहीं यार, तुम्हें यार अपने ही मुँह से अपने ही चुतियापापंथी को बताने कहा जाता है पूरे क्लास को ना, तो भाई साहब सेल्फ रिस्पेक्ट करना कुछ रह नहीं जाता है, क्या ही बताएं। खैर, हमारा तो सेल्फ रिस्पेक्ट सर्फ एक्सेल की तरह धो के चला ही गया। हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी किस तरीके से लोगों का डिग्निटी और फ्रीडम को बचाता है, प्रमोट करता है। देखो, कहा यह जाता है कि डेमोक्रेसी काफ़ी सुपीरियर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से, क्योंकि तुम आज के समय कोई भी तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देख लो, वहाँ तुम्हें डिग्निटी एंड फ्रीडम इंडिविजुअल का कहीं देखने नहीं मिलता है, जबकि डेमोक्रेसी में ये दोनों चीज़ एकदम कोर आइडियाज है, इसके बिना तो डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकता भाई। जैसे हम बात कर लेते हैं वुमेन्स का, डेमोक्रेसी देता है उन्हें डिग्निटी, कैसे? उन्हें इक्वल राइट्स देता है सोसाइटी के अंदर में एज मैन, यानी कि जितना हक लड़कों के लिए है उतना हक लड़कियों के लिए भी होना चाहिए सोसाइटी में, जबकि ये चीज़ तुम्हें नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने नहीं मिलेगा। तुम यार एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया का ले लो, पता है तुम्हें वुमेन्स का कंडीशन कैसा है, हुआ बताने का कुछ है नहीं यहाँ। फिर यार देखो, इंडिया के अंदर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का एक लंबा हिस्ट्री रहा है, मतलब भाई साहब भयंकर लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनके साथ। मैं बात कर रहा हूँ एससी कम्युनिटीज़ के साथ, ये जो कास्ट है ना एससी, या फिर तुम एसटी भी ले लो यहीं पे, इन लोगों के साथ एक लंबा हिस्ट्री था डिस्क्रिमिनेशन का। अब इन चीज़ों को सुधारने के लिए हमारा डेमोक्रेसी इन लोगों को सोसाइटी के बीच इक्वल स्टेटस देता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि जो भी उनके साथ गलत हुआ इन द पास्ट, इसे हम सुधार सके और उन्हें
जो एवरेज इंडियन सोसाइटी है उनके साथ मिला के साथ लेके चल सके, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी में पढ़ाई था कि इक्वालिटी प्रमोट करता है डेमोक्रेसी, समझ रहे हो बात। तो चाहे तुम हो या मैं, हम जो भी सोचते हैं करते हैं, यानी हमारा जो डिसीजन होता है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है एक खास तरह के आइडियोलॉजी से, जिसे यार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे डालता है ये पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में तो हालत इतना बुरा है कि 90% पॉपुलेशन जाने अनजाने में इन पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियोलॉजी को ही फॉलो करता है। कुछ चुनिंदा 10% ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझता है और इन चीज़ों से दूर रहता है और कोशिश ये करता है कि एक अपना ओपिनियन बनाए, अपना थॉट प्रोसेस लाए और चीज़ों को जैसा है वैसे समझे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देखना है और इनका आइडियोलॉजी को समझना है। और यार पता है तेरे भाई का तो सीन क्या रहेगा, जितना हो सकेगा यार रोस्ट करेंगे इन पार्टीज को। तो यार पेटी बांध लो अपना और कर दे अपना कार्यक्रम स्टार्ट। तो सबसे पहले यार ये पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है? एक ग्रुप जो इलेक्शन लड़ता है और कोशिश करता है गवर्नमेंट बनाने का, उसी को तुम कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी। कोई हारता है कोई जीतता है वो अलग बात है, हर पार्टी का कोशिश ये रहता है कि चलो यार इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। फिर यार इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में क्या क्या चीज़ें कॉमन देखा जाता है? तो इन सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में तुम्हें तीन चीज़ें कॉमन दिखेगा। पहला, कुछ लीडर होगा जो कि पार्टी में क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद कुछ एक्टिव मेंबर होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, जिनका सिंपल सा काम ये रहता है जो भी पार्टी का आइडियोलॉजी है वो आम लोगों तक पहुँचाए और बताए कि देखो हमारा पार्टी ऐसा ऐसा चीज़ें तुम लोगों के लिए करना चाहता है, तो वोट यार हमें ही देना। और आखिर में यार फॉलोअर्स, समझ ही रहे हो, जो इस पार्टी को सपोर्ट करता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये पॉलिटिकल पार्टी करता क्या है, फंक्शन क्या है इनका? तो देखो पहला फंक्शन है इलेक्शन लड़ता है, सबको पता है। अब जब इलेक्शन लड़ेगा तो गवर्नमेंट भी बनाएगा, जहाँ वो कई तरह के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करता है आम लोगों के लिए, जिससे कि आम लोगों को मदद मिल सके। इसके अलावा यार पॉलिटिकल पार्टीज कानून भी बनाते हैं हम लोगों के लिए, ऑब्वियस बात है। और आखिरी चीज़ देखो, जो जीत गया ठीक है, और जो हारा है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है एज ए ऑपोजिशन, क्योंकि देखो जो जीता है उसका गुंडागर्दी ना हो इसके लिए हमें ज़रूरी है ऑपोजिशन का। अब देखो इसके बाद ये सवाल सब लोगों का फेवरेट है कि सही में हमें पॉलिटिकल पार्टीज का ज़रूरत है, अगर है तो क्यों है? तो जान लेते हैं। मान लो कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ना होते तो यार ये डेमोक्रेसी भी नहीं होता फिर। अब बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई चाहिए, देखो और भी रीजन बता रहा हूँ। अब मान लो फिर से पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है, अब क्या होगा? जब इलेक्शन होगा तो जो भी इलेक्शन लड़ने आया हुआ कैंडिडेट होगा वो अपने लिए लड़ेगा इलेक्शन, इंडिपेंडेंटली। सेल्फिश होगा वो? होगा कि नहीं होगा बताओ? अपने लिए लड़ रहा है ना, इंडिपेंडेंट। अब इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? उस कैंडिडेट का बस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा जहाँ से उसने इलेक्शन लड़ा है, यानी कि उसके कंस्टिट्यूएंसी से। इसका मतलब यही होगा कि अगर कंट्री की भलाई के लिए कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा, सब लोग एक तरीके से नहीं सोचेगा, सब अपने अपने थॉट्स होगा और अपने अपने फायदे के लिए सोचेगा। और आखिरी चीज़, जब इतना कुछ हो ही रहा होगा तो कौन यार कंट्री के बारे में सोचेगा, सब अपने बारे में सोचेंगे। तो बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज? चाहिए भाई, ज़रूरी है। और इसी से एक अगला सवाल, रोल ऑफ अपोजिशन। देखो इलेक्शन होने के बाद जो जीतता है वो तो पता है गवर्नमेंट बनाता है, 5 साल अपना सिक्योर कर लिया उसने। जो आम लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो जाता है अपोजिशन पार्टी के ऊपर, गवर्नमेंट सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है इन सब का जिम्मेदारी होता है अपोजिशन पार्टी के ऊपर। देखो अपोजिशन पार्टी ना गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज होता है उसे क्रिटिसाइज कर सकता है, बट जेन्युइनली वो गलत होना पड़ेगा तब। ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ भी किया और हम तो क्रिटिसाइज ही करेंगे, जैसे इस समय इंडिया में हो रहा है। गवर्नमेंट कुछ भी कर ले ऑपोजिशन यार क्रिटिसाइज ही करेगा, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो डिसीजन यार पब्लिक के इंटरेस्ट पे, यानी कि आम लोगों के फायदे के लिए होता है, उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बट जहाँ तुम्हें दिखे कि यहाँ आम लोगों के साथ गलत हो रहा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तब तुम्हें आवाज़ उठाना है। यही पहचान होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का, और यार हमें ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का। बात करो तो भाई साहब इंडिया का तो क्या ही बताए भाई, एक है हमारा राहुल गांधी ऐसा मशीन बनाने का बात कर रहा है, एक तरफ से आलू घुसाओगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, बताओ यार। अब तुमने यार इतना तो समझ ही लिया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है,
और पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है। अब सवाल उठता है कंट्री के अंदर में कितने पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। अब मैं अगर बात करूँ चाइना का, जहाँ वन पार्टी सिस्टम चलता है, वहाँ क्या होता है, एक ही पार्टी के हाथ में पूरा पावर होता है। और ऐसे जो सिस्टम होता है उसे तुम कह सकते हो ये एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है। फिर अगर हम बात करें यूके और यूएसए का, तो वहाँ चलता है टू पार्टी सिस्टम, जहाँ यार क्या होगा, दो पार्टीज ही होगा और दोनों ही कभी ये जीतेगा कभी वो जीतेगा। और देखो टू पार्टी सिस्टम का थोड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट होता है, 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट आ गया तो बस आ गया, अब अगला साल जब लोगों को ये पसंद नहीं आएगा तो दूसरे पार्टी को बना देगा, तो इस तरीके से एक्सचेंज करते रहते वो लोग। बट अगर मैं बात करूँ इंडिया जैसे कंट्रीज़ का, जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में कई सारे पार्टियाँ हैं और हर एक पार्टी का जीतने का चांसेस बराबर होता है। बराबर होता है बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब इतने सारे पार्टीज है तो लोग भी अलग अलग लोगों को वोट देते हैं, जिसके वजह से कंट्री के अंदर में कोई एक सिंगल पार्टी नहीं आता है जो कि देश को चला पाए। तो क्या होता है, जो भी पार्टीज होते हैं वो अलायंसेस फॉर्म करते हैं, तो यही पे एक कॉन्सेप्ट आता है कोलिजन गवर्नमेंट का। यहाँ में क्या होता है कि कई सारे पार्टीज होता है वो एक ग्रुप बना लेगा और फिर यही मिलके एक गवर्नमेंट बनाएगा। अब यहाँ जो है कंट्री के अंदर में इनस्टेबिलिटी बना रहता है, कोई एक पार्टी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पार्टीज एक साथ आके गवर्नमेंट बनाता है। और जब ऐसा होता है तो अगर मान लो कोई पार्टी को कोई डिसीजन पसंद नहीं आया और उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो साथ साथ गवर्नमेंट गिर जाएगा, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत ही बुरा है। देखो इंडिया के साथ तो सीन कुछ ऐसा है जो हमारे नेहरू जी के समय पे था, तब इंडिया बहुत स्ट्रांग था क्योंकि एक ही सिंगल पार्टी हुआ करता था नेहरू जी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ही पावरफुल भाई साहब, जो भी डिसीजन लेना होगा खुद ही लेंगे, कंट्री अच्छा चल रहा था उस समय। बट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पार्टी सिमर्ज होता है और कोलिजन एरा शुरू होता है, जिसके बाद यार कंट्री कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहा था हमारा। बट फाइनली 2014 एक नया गवर्नमेंट चुन के आता है जिसके पास बहुत पावर था। अब यार क्या है कि हमें अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो हम आसानी से ले सकते हैं। अब फिर यार बात करते हैं इलेक्शन कमीशन का। अब इससे यार मेरा यार ठरकी प्रिंसिपल का याद आ गया मुझे, बताओ क्या कहे उनके बारे में। जब भी यार ऑफिस रूम में जाता था ना मैं कोई कांड करने के बाद, ऑब्वियस सा बात है, तो भाई साहब सेल्फ रेस्पेक्ट का ना माँ बहन हो जाता था। मतलब यार देखो अगर प्रिंसिपल ऑफिस में कोई लड़की गई ना तो उनके साथ तो भाई बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता था, बट वही भी अगर कोई लड़का गया ना भाई, उसका इज्जत क्या होता है भाई, सेल्फ रेस्पेक्ट नामक क्या चीज़ भाई, ये शब्द कहाँ से आया भाई, नहीं होता भाई, कोई ऐसा सेल्फ रेस्पेक्ट नामक कोई चीज़ ही नहीं होता भाई, तुम कुत्ते हो। और भाई प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हारे साथ होना है घनघोर बेइज्जती, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और वही पे लड़कियों को पता नहीं इतने प्यार से क्यों समझाया जाता था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई साहब। देख लो भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। खैर यार इलेक्शन कमीशन पे आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, बेसिकली कंट्री के अंदर में इलेक्शन करवाता है। तो जब इलेक्शन करवा रहा होता ना तो पार्टीज को वो क्लासीफाई करता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज पे, और एक क्राइटेरिया फिक्स करता है कि अगर तुम्हें नेशनल पार्टी बनना है तो तुम्हें ये चीज़ करना पड़ेगा, और अगर स्टेट पार्टी तो इसके लिए ये चीज़ है। अब ये क्या है देख लेते हैं। तो अगर तुम्हें नेशनल पार्टी बनना है तो एटलीस्ट 6% सीट्स तुम्हें जीतना पड़ेगा लोकसभा इलेक्शन पे, और अगर मान लो तुम्हारा किस्मत खराब रहता है तुम नहीं जीत पाते तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि चलो यार तुम 6% सीट्स लोकसभा में नहीं जीत पाए तो यार तुम्हें एटलीस्ट 4 स्टेट्स में तो 6% सीट्स जीतना ही पड़ेगा। तो ये है पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि तुम्हारा पार्टी एटलीस्ट 4 सीट तो जीते लोकसभा इलेक्शन में। अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो तुम्हें हम नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर देंगे, और अगर नहीं होता है ना तो भाई तुम फिर यार स्टेट पार्टी, जिसे यार हम रीजनल पार्टी भी कहते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है यार कहने में, तो तुम लोग भी यार रीजनल पार्टी कहना, और आगे से मैं भी यही कहूँगा। तो जो रीजनल पार्टीज होता है उन्हें एटलीस्ट 6% वोट्स मिलना चाहिए अपने जो स्टेट इलेक्शन में, तब हम उन्हें कहेंगे ये है रीजनल पार्टी। इसके अलावा एटलीस्ट 2 सीट तो जीत हुई भाई इलेक्शन में, अगर एक भी सीट नहीं जीते तुम क्या के पार्टी भाई बताओ। तो खैर ये तो था पार्टीज के बारे में जो कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेट पार्टी होगा कौन सा नेशनल पार्टी होगा। बट जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ना वो है नेशनल पार्टीज। तो इंडिया के अंदर में टोटल 7 नेशनल पार्टीज है, तो इन सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े 3 चीज़ें जान लो, जब भी तुम किसी पार्टी के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें इन 3 चीज़ों को लिख के आना है। पहला,
उस पार्टी का सिंबल क्या है, वो पार्टी कब बना था और वो पार्टी किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। बस ये तीन चीज़ें तुम्हें याद रखना है और ये चैप्टर ख़त्म भाई, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में इसके अलावा। जैसे हम पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिन्हें हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं, जिनका यह सिंबल जो है हाथ है और ये बना था 1885 को और ये पार्टी प्रमोट करता है सेकुलरिज्म को और वेलफेयर को, हम लोगों का भला करेंगे और रिलीजन को भी बराबर रेस्पेक्ट देंगे, ये है इस पार्टी का आइडियोलॉजी। इसके बाद इसी पार्टी से ना टूट के और एक पार्टी बनता है जिसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसका सिंबल है क्लॉक। ये पार्टी कांग्रेस से टूटता है 1999 को और इस पार्टी का जो विचार है यानी कि आइडियोलॉजी जो है वो कुछ ऐसा है कि ये पार्टी प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को और गांधीयन सेकुलरिज्म को। देखो सेकुलरिज्म अलग है, गांधीयन सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है, इसके बारे में किसी और दिन हम बात करेंगे, बट आज के लिए इतना समझ लो। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, जिसका सिंबल यार लोटस है, ये बना था 1980 को। तो इस पार्टी का क्या मानना है, ये पार्टी प्रमोट करता है कल्चरल नेशनलिज्म को, सिंपली बोलूँ तो हिंदुत्व। अब यार तुम मुझे बताओ यार, ये हिंदुत्व क्या चीज़ होता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों का इस टॉपिक पे कितना अंडरस्टैंडिंग है। पॉलिटिकल मुद्दा से मत बताना प्लीज़, ये न्यूज में देखते हुए चीज़ों को बिल्कुल मत बताना। बढ़ते हम अगले पार्टी की ओर, बहुजन समाज पार्टी, जिसका सिंबल है एलिफेंट, जो कि बना था 1948 को। और इसका जो मानना है कि देखो जो बहुजन समाज है यानी कि दलित आदिवासी ओबीसी, इन लोगों को भी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसलिए इस पार्टी को बनाया गया कि हम आवाज़ उठाएंगे इन बहुजन समाज के लिए। तुम ऐसे समझ लो यार, ये पार्टी बना था ये बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है, जो गरीब पिछड़े हुए, समझ रहे हो तुम बात। इसके बाद तुम लोगों को तो पता ही है, रशिया में रशियन रेवोल्यूशन के बाद आता है कम्युनिज्म, तो इसी से इंस्पायर्ड होके इंडिया में बनता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनका सिंबल यार अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से है, ईयर्स ऑफ द कॉर्न एंड सिकल्स, हिंदी में बोलो तो यार जो मक्के का वो कुछ होता है ना ऊपर वाला हिस्सा, इसके साथ साथ अजीब टाइप का चाकू होता है, कुछ होता है भाई, समझ रहे हो, जो कि बना था 1925 को। और इसका जो बिलीव है कि कम्युनिज्म लेनिनिज्म सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी के ऊपर। अब देखो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये 1964 को टूट जाता है फिर, और एक नया पार्टी बनता है जिसका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इनका जो सिंबल होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ में यार हैमर सिकल्स और स्टार का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ये पार्टी बनता है 1964 को CPI से अलग होके। अब इसके पीछे कहानी है कि कैसे ये अलग हुआ, तो 1962 में चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच जो वॉर, तो ये जो CPI है इसके अंदर में कुछ लोग यार चाइना को सपोर्ट कर रहे थे कि यार जो भी किया ना चाइना ने अटैक करके इंडिया पे, सही किया, तो इसके वजह से यार पार्टी के अंदर ही कुछ सीन क्रिएट होने लग गया। तो फिर बनता है हमारा ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो कि था प्रो चाइना उस समय। क्या ही बताया इसके बारे में, इंडिया में रह के भाई साहब आप चाइना को सपोर्ट करो बहुत बढ़िया है, और आप फिर भी नेशनल पार्टी हो इंडिया का, बताओ चूतिए हम लोग हैं जो ऐसे पार्टी को वोट देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके बाद बात करता हूँ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे हम TMC भी कहते हैं, जिसका सिंबल है फ्लावर और ग्रास, जो कि बना था 1998 को। इनका भी मानना वही है सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के ऊपर। तो ये कुछ पार्टीज थे जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस है, जिसे तुम नेशनल पार्टीज कह सकते हो। इसके अलावा स्टेट पार्टीज है, जैसे कि यार शिवसेना देखो स्टेट पार्टी का बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा भी कई सारे पार्टीज है, तो ये काम मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, सीधा कमेंट पे जाओ और अपने स्टेट पे कौन सा रीजनल पार्टी है वो मुझे तुम बताओगे। अब अगला चीज़ यार कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनके अंदर में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, यानी तुम कह लो चैलेंजेस क्या क्या है। तो पहला देखो, ये पार्टीज कहते तो है कि हमारे बिना तो डेमोक्रेसी नहीं है, बट सच में बताओ तो इनके अंदर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ ही लोग पूरा पार्टी को कंट्रोल कर रहे होते जो कि किसी तरीके से भी डेमोक्रेसी का सिग्नल तो मुझे नहीं दे रहा। इसके बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हमें देखने मिलता है डायनेस्टिक सक्सेशन। तुम कह लो यार जो ये नेपोटिज्म होता है ना, जहाँ क्या करते हैं हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ही डोमिनेट कराते हैं पार्टी में, जो भी पार्टी के अंदर में डिसीजन लिया जाएगा वो यार कुछ फैमिलीज के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। बुरा मत मानना यार, जैसे हमारा कांग्रेस जो है ना वो एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। इसके अलावा देखो यार मनी और मसल पावर का भी इस्तेमाल इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी करते हैं, ये चीज़ सबको पता है।
और आखिरी चीज, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सारे के सारे पब्लिक को चूतिया बना रहे भाई साहब, सीधी बात है। मतलब देखो, तुम किसी पार्टी को इसलिए वोट दे रहे हो कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी पे तुम्हें बिलीव है, बट मान लो कि वो इलेक्शन जीतने के लिए अपने आइडियोलॉजी को कहीं और छोड़ के बस पावर के पीछे भागता है, तो ये तो फिर क्या बात हुआ बताओ? तुम पब्लिक को चूतिया बना रहे हो। तो जो इतने सारे प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में, इन सबको सुधारने के लिए इंडिया के अंदर में 3 रिफॉर्म्स लाया गया। पहला यार, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, जिसके अंदर में एक कानून लाया गया जिसका नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ। इस कानून में सिंपली इतना लिखा था, अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन जीतता एक पार्टी की तरफ से तो फिर वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अब जब ये कानून भी काफ़ी नहीं था तो फिर सुप्रीम कोर्ट आता है हमारा। सुप्रीम कोर्ट कहता है यार चलो हम कुछ करते हैं कार्यक्रम, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अपना ऑर्डर लेके आता है कि आज से ये मैंडेटरी है सारी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहता है कि तुम्हें एक एफिडेविट देना पड़ेगा जहाँ में तुम डिटेल बताओगे कि तुम्हारे पास कितना प्रॉपर्टीज है और तुम्हारे ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, ताकि लोगों को भी तो पता चले कि तुम कितने बड़े झंडू हो। वरना यार पोस्टर पे तो सभी कूल दिखते हैं, रियलिटी क्या है वो तो ऐसे ही पता चलेगा ना। और जब ये भी कम लग रहा था तो फिर हमारा इलेक्शन कमीशन आता है और कहता है हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। जब सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये कंपलसरी था कि वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही इलेक्शन करवाए, मतलब तुम कह सकते हो पार्टी के अंदर में एक तरीके का डेमोक्रेसी लाए और साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे, यानी कि कौन कितना कमाता है। भाई साहब वो चीज़ हमें आके दिखाओ, मतलब ऐसा ना हो कल तक तो तुम रहते थे बस भाड़े के घर पे और यार इलेक्शन जीतने के 5 साल बाद तुमने यार 100 बीघा जमीन खरीद लिया। अब देखो ये जो 3 रिफॉर्म्स है ये तो हमने किया, बट हमें और क्या क्या करना चाहिए। हमें यार एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस चीज़ को कंट्रोल कर पाए। इसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें ये कंपलसरी कर दे कि एटलीस्ट कुछ टिकट जो है वो वुमेन्स को भी दो। और आखिरी चीज़, देखो इलेक्शन करवाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करता है, अंधा पैसा खर्चा करता है। अब ये पैसा आता कहाँ से है ये बस वो ही जानते हैं और हम भी जानते हैं यार, ऐसा नहीं है, सब जानते हैं, अंदर की बात है बट जानते हैं, चच्चा हमारे विधायक है भाई, सब पता है हमें। तो यार तुम्हें पता है कि जो भी होता है ये गलत है, ऐसा ना हो इसलिए यार कहा गया ऐसा कि गवर्नमेंट को एक ऐसा फंड तैयार करना चाहिए जो कि इलेक्शन में हर पार्टी को पैसा देगा कि भाई देखो तुम्हें इलेक्शन पे इतना ही रुपया खर्चा करना है, 1 रुपये पर अगर ज़्यादा खर्चा किया ना भाई तो फिर देख लेना, फिर जो करना है हम करेंगे फिर। तो आई गेस मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया भाई लोग, चैप्टर थोड़ा बोरिंग था, लेंदी भी था, बट था तो था, अब क्या कर सकते हैं। लगता है ये मुझे तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो यार इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ लेना। इसके अलावा बस तुम लोगों से इतना ही कहना है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे।